Hey, what's up guys, welcome back another reaction video. So today I am making a reaction on Zara. Noor Abbas, you know very well, this is the actress of Pakistani television or also known her married name Zara Noor Abbas Siddiqui is a Pakistani actress. She is best known for her role as a Ursula in Momna Durrez Khamoshi drama and also acted in serial Dhadkan, Lamhe, Qaid, Deewar-e Shab or Aide Wafa Wajiba. So she is so famous actress in Pakistan and I am making reaction on this vlog. So I hope you guys really watch this vlog and making so much fun of this reaction and vlog as well. So further to go, let's check it out. Hi guys, today we're going to Korean store. Pe ja Korean store kaun sa jahan par hotpot ki cheeze milti hain, because maine aur Ram ne aaj decide kiya hai ki hum hotpot banayenge. Ye hotpot hai ya hotspot hai? I'm going to help you with the Raymond. And I'm going to drive and we're going to go to the hotpot. To the Korean store and then get some hotpot stuff. Aaj mausam bhi bahut acha hai, so we're going to grab coffee on the go. Okay, see you. Wow. So we're here and the task is that we have to make hotpot on a budget. So budget? We have like 10,000 rupees. 10,000. Which is still a lot. And we want to make 2 hot pots in it. So can we do it? Let's see. Yes, we can. Andar ja ke prices ka pata chalega, fir pata chalega kya. Weather is amazing. And we're here at the mausam bahut gaya. This is the mall. Kya matlab black chashma lagaya to pata nahi chala. Hi. Okay. Korean. We are so confused. वैसे ये वीडियो कहाँ बनाएगी? कराची में, लाहौर में, कहाँ पे? आई थिंक सो कराची में होगी तो वहाँ पे ये कोरियन है. लाहौर में अभी तक मैंने कोरियन स्टोर नहीं देखा. कैसे बनता है ये तो पता ही नहीं चल रहा है. ओके, आई नो दिस. दिस इज मटर. दिस पीस पीस बट पीस का पाउडर. कंफ्यूज्ड हो गई हैं कि खरीदें क्या. वैसे एक बात है, ड्रामा बनाना और व्लॉग बनाना बहुत टफ है. क्या बात है. वैसे आजकल सूप और मतलब ये नूडल्स सूप बहुत ज़्यादा सेल हो रहे हैं. नूडल्स भी लोग गर्मियों और रात को बहुत ज़्यादा खाते हैं. कराची में तो आई थिंक सो कि बहुत ही लोग खाते होंगे, क्योंकि लोग गर्मियों में फूड्स का इस्तेमाल या जैसे कि ब्रेड और रोटी का इस्तेमाल कम कर रहे हैं. ओके, इतनी टाइप के नूडल्स हैं यार. ओह माय गॉड, वैसे एग नूडल्स खाए हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा मोटे टाइप के होते हैं, मतलब ब्रीक नहीं होते. चपटे वाले मोटे मोटे. चिकन है वो जो डालते हैं. ये तो भाई वाकई कोरियन लग रहा है. और क्या डालते हैं इसमें? मेन तो मसाले की बात. यही मसाला है ना, बत्तख के काले अंडे. बत्तख के काले हैं? सीरियसली काले अंडे बॉइल्ड हैं कितने सालों से? बॉयल अंडे रखे हुए हैं. अच्छा, और ये चावल है, ये भी बॉयल्ड है. तो बना बनाया भी मिलता है खाना है. और ये क्या है? राइस केक. ये क्या है? It's kind of like the bookie. क्या बात है, ऐसा स्टोर है जहाँ पे हर एक चीज़ बॉयल पड़ी हुई है. क्या बात है, दिस इज सो मच अमेजिंग. दिस इज फर्स्ट टाइम आई हैव एवर वॉच दिस टाइप ऑफ फूड. काम क्या है इसका? हॉटपॉट के अंदर खाने के लिए.
वैसे बॉइल्ड राइस एक अच्छा आइडिया है, आप सेल कर सकते हो, जितने भी लोग इस व्लॉग को देख रहे हैं जो भी मतलब शॉपिंग हुआ ये फूड सेल करते हैं, पता चला कि वहाँ कैश ओनली है, तो जब कैश देखा तो कैश तो था नहीं क्योंकि आई ऑलवेज कैरी अ कार्ड विद मी, सो मतलब क्या खरीदा गॉट आउट टू गेट सम कैश बट अब हमारा मूड चेंज हो गया, सो वी आर जस्ट गोना हैव कॉफी एंड गो होम. Rahma and Zara. So hum coffee lene aa gaye and I think we're gonna go home. Matlab kya noodles nahi liye kya? So cash nahi mila. So we're just gonna go home and yeah, this was our hot pot on a budget day. It was the first time ever and मुझे समझ भी नहीं आ रही थी, एक ब्लैक कॉर्न थी और वो कह रहे थे आधी ज्यादा चीजें उनके पास खत्म भी हो गया बिकॉज द इम्पोर्ट इज लाइक नॉट हैपनिंग एंड या सो मैन दिस वॉज अ हॉट पॉट डे विद अस, वेदर इज रियली नाइस इन कराची, सो वी आर गोना एंजॉय आवर कॉफी नाउ. तो गाइस व्लॉग तो बहुत ही शॉर्ट था और एंड हो गया, और इस व्लॉग का सिर पैर नहीं था कुछ भी, बस एज ए वॉक पे निकले और विजिटिंग पे निकले तो सोचा कि नूडल्स खा लें, लेकिन नूडल्स तो खाए नहीं, खैर कुछ भी नहीं किया और ग्लास थोड़ा भरा आने, लेकिन ये है कि जो भी है विजारा नूर अब्बास का ये व्लॉग स्टार्ट करने का आइडिया अच्छा है, सो कंटिन्यू व्लॉग बनाते रहें, अच्छे व्लॉग हैं और मोर टॉपिक फॉर कंटेंट आपको तो बहुत ज़्यादा सारे होंगे क्योंकि आप तो एक्ट्रेस हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा होंगे, होपफुल जितने भी इसके फैंस हैं वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे कि भाई इनका व्लॉग आ गया, और व्लॉग काफ़ी देर बाद आया सीरियसली, तो मैंने पहले कभी इनका व्लॉग नहीं देखा, दिस इज़ माई फर्स्ट व्लॉग, और ज़ारा नूर अब्बास सो बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे ड्रामे भी बनाए हैं, पाकिस्तान का नाम भी भाई इसने रोशन किया, देर इज़ नो डाउट कि मतलब ये बंदी कोई ऐसी नहीं है, और जो ड्रामा इन्होंने बनाया था हैदे वफा में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस इन्होंने दी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी है, और कूल की एक्ट्रेस हैं, कूल की बंदी हैं ये, और बड़े कमेंट्स अच्छे अच्छे आए हुए हैं नीचे, लोगों ने इनको इनवाइट किया अपने घर में, बहुत ज़्यादा लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग प्यार भी बरसा रहे हैं, तो आई थिंक सो नया ड्रामा ज़ारा नूर अब्बास का कौन सा आ रहा है, लेट्स चेक ऑन गूगल ज़ारा नूर अब्बास न्यू ड्रामा कौन सा भाई, 2024 में स्टैंड अप गर्ल काशिफ निसार डायरेक्टर हैं, वाह जी वाह, स्टैंड अप गर्ल इनका नया ड्रामा है, ये क्या है ड्रामा है जो भी है, वैसे मुझे पाकिस्तान ड्रामे देखने का शौक़ नहीं है, लेकिन कुछ कुछ ड्रामे देखे हैं जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो खैर इस ड्रामे को भी आप स्ट्रीम करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे रिएक्शन को भी लाइक शेयर कमेंट करें ना भूलिएगा, जितने भी लोग हैं नए हैं पुराने उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, ढेर सारा प्यार है आपसे, रिक्वेस्ट है कि व्लॉग को पूरा देखना है, रिएक्शन को पूरा देखना, और अपने कमेंट सेक्शन का इजहार ज़रूर करना है कि आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगता है, सो इफ़ यू लाइक माई रिएक्शन एंड इफ़ यू डोंट लाइक माई रिएक्शन बोथ सेक्शन, आई रियली रिक्वेस्ट यू, अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और पीस ऑफ, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय.